हे एवरी वन वेलकम बैक आई वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन नोट नोटचे सीरीज और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू अपलोड फाइल्स इन नोट चेस तो अगर तुमने किसी वेबसाइट पे देखा होगा जैसे हम कई बारी अपना रिजूम में हमारी प्रोफाइल फोटो या किसी भी तरह की फाइल को अपलोड करते हैं तो उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं नोट जेस में तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रॉयर प्लेट कोड है यू कैन सी दैट दिस जस्ट अ ब्रॉयर प्लेट कोड जिसमें हमने क्या किया है ठीक है तो पहले एक रिविजन लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है दैट इज़ इंडेक्स ऑफ जी एस राइट तो इसमें मेरे पास एक पाथ मॉड्यूल है एंड एक मेरे पास एक्सप्रेस मॉड्यूल है तो मैंने पहले एक एक्सप्रेस का ऐप बनाया मैंने एक पोर्ट वेरिएबल बनाया एंड मैंने अपना व्यू इंजन सेट किया ई जी एस राइट मैंने अपने व्यूज़ को सेट किया लाइक पाथ को यूज़ करके दिस व्यूज़ फोल्डर एंड मैंने एक मेडल वेयर लगाया दट इज ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड देन वी आर हैविंग दिस एप डॉट गेट मतलब मेरे पास एक रूट राउट है जिसमें हम क्या करते हैं होम पेज को एंटर करते हैं एंड अल्टीमेटली हम क्या करते हैं हम लिसन करते हैं पोर्ट एट थाउजेंड के ऊपर राइट एंड अगर तुम तो मेरे व्यूज पे जाते होते तो व्यूज में अभी कुछ खास नहीं है एट जस्ट एन एम टी एच टी एम एल ब्रॉयलर पेट कोड जिसमें कुछ भी नहीं है राइट सो हेर इज माई अप्लीकेशन रनिंग अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो दिस इज द एप्लीकेशन राइट तो एक काम करते हैं लेट स्टार्ट विद द यू आई फर्स्ट ठीक है first, तो यू आई में बेसिकली हमें एक अपलोड का बटन चाहिए सो so अपलोड कैसे करते हैं तो सबसे पहले लेट्स से तुम्हारे पास एक फॉर्म होगा राइट right? एक फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास एक इनपुट uh, होगा सो so, इनपुट को हम टाइप दे देते हैं फाइल राइट इनपुट टाइप फाइल एंड इसको हम एक नेम दे देते हैं ओके okay? तो so, इसको हम नेम दे देते हैं प्रोफाइल इमेज ओके प्रोफाइल इमेज एंड डन ओके तो रिफ्रेश करते तो so, यहाँ पर लेट मी जूम इन सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक चूज़ फाइल का बटन है एंड हम क्या चाहते हैं कि जो भी फाइल यहाँ पर चूज़ हो वो हम अपने नोट जेस में हैंडल कर पाए ओके ग्रेट सो so, इसको एक काम करते हैं प्रोफाइल इमेज एंड कैमल केसिंग कर देते हैं सो so, प्रोफाइल इमेज विद अ कैपिटल आई एंड यहाँ पर एक बटन चाहिए बटन एंड इस बटन का नाम होगा सबमिट ओके या फिर इसको हम नाम देते हैं अपलोड एंड बटन टाइप क्या होगा सबमिट राइट तो यहाँ पर मेरे पास एक अपलोड का बटन भी आ चुका होगा अपलोड अब देखो फाइल अपलोड करने के लिए जब तुम एक फाइल को अपलोड करते हो तो तुम्हें एक लाइब्रेरी का यूज करना होता है दैट इज मल्टर ओके दैट इज मल्टर तो मल्टर एक लाइब्रेरी है जो एक्सप्रेस के साथ प्लग हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से तो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी ये पर्टिकुलर पैकेज हमें हेल्प करता है फाइल अपलोड्स में ओके तो अगर तुम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो तो सबसे पहला काम किया तुम्हें मल्टर को इंस्टॉल करना है बहुत इजी सो व्हाट आई कैन से अपने सर्वर को बंद किया एन पी एम इंस्टॉल मल्टर तो जैसे एन पी एम इंस्टॉल मल्टर लिखूंगा तो मेरी डिपेंडेंसीज में मल्टर इंस्टॉल हो चुका है दैट इज़ वन गुड उसके बाद इस समय क्या करना है देखो डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे ठीक है डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे एंड इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है हमारे फॉर्म के ऊपर एक्शन मेथड एंड एक इंक्रिप्शन टाइप लगाना है दैट इज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा लेट मी टेल यू वॉट दैट मीनस तो यहाँ होम पेज में हमें सबसे पहले यहां पर तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तीन एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं दैट इज एक्शन एक्शन होता है बेसिकली किस यू के ऊपर हमें ये फाइल को अपलोड करना है लेटर से हमारे पास एक बैक uh, एंड में एक राउट होगा स्लैश अपलोड ठीक है तो उसका मेथड क्या होगा मेथड होगा पोस्ट ओके एंड बिकॉज हम इसके अंदर एक फाइल को भी सेंड कर रहे हैं राइट right? हम एक फाइल को सेंड कर रहे हैं सो डोंट फोगेट टू एड इंक्रिप्शन टाइप दैट इज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा अगर तुम ये इंक्रिप्शन टाइप नहीं लगाते अगर तुम ये वाला एट्रीब्यूट नहीं लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारी जो फाइल है वो अपलोड नहीं हो पाएगी ओके okay? देखो एक फॉर्म के अंदर डेटा भी हो सकता है जैसे फील्ड्स हो सकती हैं लाइक तुम्हारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो उन सब के लिए इन चीज के इस चीज़ के रिक्वायर नहीं होते लेकिन अगर तुम एक फाइल को भी अपलोड करना चाहते हो सो यू हैव टू पुट अप दिस एट्रीब्यूट ठीक है अब हमें क्या करना है हमें बैक एंड में टेक्निकली हमें ये स्लैश अपलोड का एक राउट बनाना है राइट एक पोस्ट राउट बनाना है स्लैश अपलोड का सो so यहाँ पर बना लेते हैं से ऐप डॉट पोस्ट स्लैश अपलोड ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ओके ग्रेट एंड हमें बिकॉज हम एक फॉर्म uh, डेटा को हैंडल कर रहे हैं तो हमें एक्सप्रेस डॉट एक मिडल uh, वेयर लगाना होगा दैट इज यू आर एल इंकोडेड राइट सो इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो यू आर एल इंकोडेड क्या करता है ये हमारे फॉर्म डेटा को पास करने में हेल्प करता है बिकॉज फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है वो जेसन नहीं आ रहा है वो एक फॉर्म डेटा आ रहा है तो फॉर्म डेटा को पास करने के लिए वी हैव टू यूज दिस मिडल वेयर दैट इज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इंकोडेड राइट अब मुझे क्या करना है मुझे स्लैश अपलोड के अंदर मुझे अपनी फाइल को हैंडल करना है करेक्ट तो वो कैसे कर सकते हैं तो so, यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं ओके okay? मल्टर में हमारे पास दो तरीके हैं नंबर वन है सिंपल तो हम क्या कर सकते हैं हम पहले मल्टर को इम्पोर्ट करेंगे सो so, सी पहले हम क्या करेंगे मल्टर को इम्पोर्ट ठीक है तो so, मल्टर को मैंने इम्पोर्ट कर लिया यू कैन ऑलरेडी सी दैट हमने मल्टर को इंस्टॉल कर लिया था सो so, मल्टर को इम्पोर्ट किया ओके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं हम एक अपलोड का एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं ओके सो आई कैन से लाइक कॉन्स अपलोड इक्वल्स टू डेस्टिनेशन अपलोड्स इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रंट एंड से जो भी यूजर फाइल अपलोड करेगा ना उसको मेरे अपलोड्स फोल्डर के अंदर डाल दो ओके आई नो हमारे पास कोई अपलोड्स का फोल्डर नहीं है बट ओके जस्ट वेट नाउ व्हाट वी कैन डू तो ये जो अपलोड है ना ये क्या ये है ये बेसिकली एक मिडल वेयर है ओके ये एक मिडल वेयर है तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर राउट के लिए जब भी इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट आए पहले हम क्या करेंगे फाइल को अपलोड करेंगे सोइल से अपलोड डॉट सिंगल ठीक है मतलब सिंगल फाइल अपलोड करनी है मुझे ओके okay? उस पर्टिकुलर फाइल का नेम क्या है तो यहाँ से हम ये नेम कॉपी कर लेंगे दैट इज़ प्रोफाइल इमेज एंड मैं इसको बोलूँगा प्रोफाइल इमेज राइट तो इसके अंदर हम एक काम करते हैं यहाँ पर हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ठीक है फिर हम बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट फाइल ओके एंड फिर हम बस इसको रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट इसको हम वापस से होम पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे एक बार इसको रन करके देखते हैं दैट देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है सो एन पी एम स्टार्ट ओके okay, तो एन स्टार्ट किया तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सो so, यहाँ पे सबसे पहले हमें चूज़ फाइल करना है सो तो काम करते हैं एक फाइल को चूज़ करते हैं ओके okay, सो so मैं ये वाली फाइल चूज़ कर लेता हूँ इट्स जस्ट अ थम नेल ओके सो मैंने यहाँ पे ओपन किया एंड मैंने यहाँ पे दबाया अपलोड जैसे ही मैंने अपलोड किया यू कैन सी दैट यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक अपलोड्स का फोल्डर बन चुका है मेरे सर्वर के ऊपर राइट right, एंड अपलोड्स के अंदर एक फाइल है लेकिन अगर तुम इस फाइल को ध्यान से देखोगे तो ये फाइल कुछ अजीब सी फाइल है राइट हम इसको ओपन नहीं कर पा रहे फ्रंट एंड से तो हमने एक इमेज फाइल अपलोड की थी यू कैन सी हेयर अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड करता हूँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट uh, डॉट uh, हमारे पास जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है वो तो नल आया राइट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नल क्यों आया बिकॉज हमारे पास ना कोई टेक्स्ट फील नहीं है फ्रंट एंड पे ठीक है तो ठीक है वो तो नल आया तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइल आई उसका क्या आया फील्ड नेम आया ओरिजिनल नेम आया राइट उसके बाद इनकोडिंग माइम टाइप इज इमेज अपलोड में गई फ़ाइल का नेम क्या है पाथ क्या है एंड साइज़ क्या है बहुत बढ़िया लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ राइट right? हमने फाइल को एक तरह से करप्ट कर लिया बिकॉज इस फाइल को हम रीड नहीं कर सकते तो हमें क्या करना है हमें एक मेथड चाहिए कि मैं फाइल्स को ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाऊँ राइट right? हम अपने फाइल्स को अपने अकॉर्डिंग बीच में मैनिपुलेट कर पाएँ सो वॉट वी कैन डू सो अगर तुम यहाँ पर नीचे जाते हो ओके यू जस्ट गो अ डाउन अ लिटल बिट तो दिस इज़ वॉट वी हैव टू यूज़ ओके सो वी आर गोइंग टू यूज़ डिस्क स्टोरेज जो हमें फुल कंट्रोल देता है कि डिस्क के ऊपर फाइल को कैसे स्टोर करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं तो बैक टू आर कोड ठीक है तो हम वापस चलते हैं कोड में तो कोड में यू कैन सी दैट हमने मल्टर को इम्पोर्ट किया और हमने अपलोड का एक इंस्टेंस बनाया था तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ओके तो हम क्या करेंगे uh, हम एक स्टोरेज बनाएंगे ओके सर से कॉन्स्ट स्टोरेज इक्वल्स टू मल्टर डॉट स्टोरेज सो आई कैन से कॉन्स्ट ठीक है तो हम एक स्टोरेज बनाते हैं स्टोरेज ऑब्जेक्ट इक्वल्स मल्टर डॉट स्टोरेज मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज ओके मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज तो इसके अंदर हमें क्या करना है इसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं ओके सो फर्स्ट इज डेस्टिनेशन ठीक है okay? so तो पहला होता है हमारे पास डेस्टिनेशन विच इज़ अ कॉल बैक फंक्शन एंड दूसरा हमारे पास होता है एक फाइल नेम तो एक काम करते हैं यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करते हैं देन आई एल एक्सप्लेन यू किसका क्या मतलब है सो फर्स्ट वन इज डेस्टिनेशन सेकेंड वन इज फाइल नेम ओके तो ये क्या है फाइल नेम सो ये भी क्या होता है एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट फाइल एंड रिक्वेस्ट फाइल एंड सी ठीक है तो पहले इस चीज़ को समझते हैं ये क्या है डेस्टी uh, पहले डेस्टिनेशन समय से डेस्टिनेशन में हम क्या करते हैं हम उसको बताते हैं दैट कौन से फोल्डर के अंदर हमारे इस पर्टिकुलर फाइल को स्टोर करना है ठीक है इसमें हमारे पास तीन पैरामीटर्स है नंबर वन इज़ द रिक्वेस्ट ये है हमारा ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ओके उसके बाद फाइल ये वो फाइल है जो यूज़र अपलोड करने का ट्राई कर रहा है एंड सी बी सी बी होता है कॉल बैक तो हमें क्या करना है वो बोलता है कि अपना काम करने के बाद इस कॉल बैक को रन कर दो इस कॉल बैक के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं नंबर वन इज़ दी एरर एंड नंबर टू इज़ दी फोल्डर का नाम तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा रिटर्न ठीक है कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेंगे क्या कुछ एरर है लाइक like, अगर मुझे लगता है कि यार यूजर लॉग इन नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना एक कस्टम एरर डाल सकता हूँ लेकिन मैं उसको बोलूंगा नहीं यार कुछ एरर नहीं है सब कुछ बढ़िया है तो डेस्टिनेशन बताओ तो मैं उसको बोलूंगा स्लैश अपलोड्स स्लैश फाइल्स ठीक है सो मैंने और लेटर बी स्लैश अपलोड ठीक है तो उसको डिलीट कर देते हैं इस फोल्डर को तो मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न क्या किया कि यार एक काम करो डेस्टिनेशन में ना तुम एक काम करना मैंने एक कॉल बैक फंक्शन कॉल किया एरर कुछ नहीं है तो तुम स्लैश अपलोड्स को यूज़ करना डन उसके बाद वो मुझे बोलेगा कि अच्छा ये बताओ फाइल का नाम क्या रखना है राइट right? फाइल का नाम क्या रखना है तो मैं यहाँ पर भी हम क्या करेंगे रिटर्न हम करेंगे कॉल बैक तो एरर तो कुछ नहीं है तो फाइल का नाम क्या रखे तो पहली बात तो मैं फ़ाइल की ओरिजिनल नेम भी उठा सकता हूँ लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर किसी यूजर ने सेम नाम से फाइल अपलोड की तो वो ओवर हो जाएगी तो एक काम करते हैं ना खुद पर एक यूनिक फाइल नेम बनाते हैं कैसे तो हम क्या करेंगे हम एक डेट डॉट नाउ ले लेते हैं ठीक है डेट डॉट नाउ ले कर उसके साथ हम क्या करेंगे हम यूज़र की ओरिजिनल फाइल को अपेंड कर देंगे फॉल से यहाँ पर मैं बोलूँगा फाइल डॉट फाइल नेम तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नॉट फाइल नेम ओरिजिनल नेम या तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हम बेसिकली फाइल के साथ ना एक डेट अपेंड कर देते हैं एक यूनिक नंबर हो जाएगा सो so दैट कि कभी भी दो यूज़र सेम नाम से अगर फाइल को अपलोड भी करें तो वहाँ पर एक लाश नाव तो ये हमारा एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट बन गया राइट अब हमें क्या करना है हमको एक अपलोड बनाना है साल से अपलोड इक्वल्स तो ये यू कैन सी लाइक मल्टर ठीक है तो हम यहाँ पे मल्टर मल्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं हम एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट पास करेंगे सो so, स्टोरेज क्या होगा मेरा ये वाला स्टोरेज राइट तो ये स्टोरेज को मैं नॉर्मली भी लिख सकता हूँ राइट आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस तो स्टोरेज अब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर बोल रहे हैं अपलोड डॉट सिंगल प्रोफाइल इमेज अब ये क्या करेगा इस पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन को यूज़ करेगा तो एक काम करते हैं दोबारा से करते हैं तो सर्वर को बंद किया एन स्टार्ट ओके okay, तो हम अपने वापस फाइल अपलोड्स रिफ्रेश चूज अ फाइल तो एक काम करते हैं ये वाली फाइल को अपलोड करते हैं डिस्काउट बॉट वाली ओपन अपलोड ओके okay, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आया तो एरर को रीड करते हैं ठीक है so, सो एरर को यहाँ पर रीड करते हैं नो सच फाइल और डायरेक्ट्री ओपन स्लैश अपलोड्स तो यानी कि अपलोड्स के ये वो कह रहे हैं डायरेक्ट्री ही नहीं है तो एक काम करते हैं हम खुद बना देते हैं राइट तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली नहीं बनाएगा हमको बनाना है तो रिफ्रेश करते हैं दोबारा से सो आई अगेन गो टू एट थाउजेंड चूज अ फाइल तो ये मैंने फाइल चूज़ किया एंड अपलोड ओके सो वी आर स्टिल गेटिंग एन एरर ओके सो द एरर वर्स की एरर वर्स कि हम डॉट लगाना भूल गए थे सो so, डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी सो इट मीन्स करंट डायरेक्टरी के अंदर जो अपलोड्स का फोल्डर है ओके सो राइट तो अभी अपलोड्स का फोल्डर खाली है तो एक काम करते हैं चूज फाइल सो मैं ये वाली फाइल को चूज़ करता हूँ ओपन एंड अपलोड किया अब हमारे अपलोड्स में चलते हैं तो हमारे अपलोड्स में एक फाइल है राइट right? अपलोड्स के फाइल का नाम देखो यहाँ पर पहले हमारे पास कुछ नंबर है दैट इज़ दी करंट डेट एंड उसके बाद यूज़र की फाइल का जो भी नेम था हमने वो डाल दिया करंट डेट डालने का बेनिफिट क्या है कि अगर मैं सेम फाइल को दोबारा से अपलोड करता हूँ ना सेम फाइल को सो यू विल एक्चुअली गेट टू फाइल्स विच इज़ ओके राइट बिकॉज तुम्हारा जब एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट बनेगा तो हो सकता है ना यूज़र सेम नाम से फाइल अपलोड कर दे तो so, तुम नहीं चाहते कि वो पहले वाली यूज़र की फाइल को ओवर कर दे तो so, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करते हैं पर्टिकुलर चीज़ को प्रिवेंट करते तो so, तुम कुछ भी आईडी जनरेट कर सकते हो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर सकता है किया हुआ है सो वॉट यू कैन डू यू कैन इवन डू लाइक समथिंग लाइक यू नो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडर स्कोर आई डी है ना या फिर हम क्या कर सकते हैं हम फोल्डर्स भी बना सकते हैं कैन से कि अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बनाना जिसमें तुम रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी डाल सकते हो सो so बेसिकली हम क्या करते हैं हम ये भी कर सकते हैं ना कि अपलोड्स के अंदर एक फोल्डर बनेगा राइट right? फोल्डर में क्या होगा फोल्डर के अंदर हम एक सब फोल्डर बना सकते हैं यूजर की अंडरस्कोर आईडी का सो दैट हमेशा यूनिक रहे ओके okay? तो ये पार्ट तो हमें क्लियर हो गया राइट कि ये चीज़ स्टोरेज कैसे काम करती है न तुम्हारे फंक्शन में तुम क्या करोगे तुम अपने डेटाबेस में एंट्री कैसे कर सकते हो यू कैन डू द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड उसके बाद तुम यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल है इसके अंदर तुम्हारे पास एक पाथ ऑब्जेक्ट है यू कैन सी स्लैश अपलोड स्लैश दिस पर्टिकुलर थिंग राइट तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पाथ को हम अपने डेटा में स्टोर कर सकते हैं एंड जब भी यूजर को मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ लोड करनी है तो तुम इस इस पर्टिकुलर यू के ऊपर वो लोड कर सकते हो राइट सो एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली दिस अपलोडिंग थिंग्स वर्क सो आई होप कि तुम्हें अपलोड का पार्ट क्लियर हो गया होगा दट हम चीज़ों को अपलोड कैसे करवा सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोल सकते हैं यूजर को प्रोफाइल फोटो अपलोड करो तो प्रोफाइल फोटो अपलोड करवा सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं यूज़र को अपना रेजो में अपलोड करो राइट तो कुछ भी तरह की जो फाइल हम अपलोड करवाते हैं तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टर सो so, मल्टर एंड उसके बाद हमने खुद की एक स्टोरेज कन्फिगरेशन दी राइट उसके बाद हमने अपलोड ऑब्जेक्ट बनाया एंड आई एम सिंग अपलोड डॉट सिंगल प्रोफाइल इमेज सिंगल क्यू बिकॉज आई नो दैट ये पर्टिकुलर फॉर्म एक सिंगल फाइल होगा लेटर से हमारे पास डबल होता है राइट हमारे पास एक प्रोफाइल इमेज होता हमारे पास एक कवर इमेज होता है ना कवर इमेज सो यू कैन से आर ठीक है तो आर ऑफ फोटोज़ हो सकता है ग्रेट एंड यू कैन इवन से लाइक फील्ड्स विच इज़ एन आर ठीक है तो हम ये भी कर सकते हैं लाइक आई कैन से फील्ड्स ठीक है तो हमारे पास कौन कौन से फील्ड्स है सो आई कैन से आर और इसके अंदर हम पहले नेम दे सकते हैं लाइक पहला नेम क्या है सो पहला नेम है प्रोफाइल इमेज राइट एंड सेकेंड नेम क्या है सेकेंड नेम है हमारे पास कवर इमेज राइट तो ऐसे तुम मल्टीपल फाइल्स को भी अपलोड करवा सकते हो ओके यू कैन इवन हैव मल्टीपल फाइल अपलोड्स, सो ये भी अच्छे से काम करता है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम इस वेबसाइट पर जाओ डाटाज एन के एम जी एस डॉट कॉम दिस पैकेज मल्टर एंड इसकी एग्जाम्पल्स को रीड करो सो यू विल गेट एन बेटर अंडरस्टैंडिंग की ये पर्टिकुलर चीज़ें कैसे काम कर रही है राइट बिकॉज हमने कुछ नहीं किया हमने बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को रीड किया एंड इम्प्लीमेंट किया सो इफ यू नो हाउ टू रीड डॉक्यूमेंटेशन तुम कोई भी लाइब्रेरी को कैसे भी यूज़ कर सकते होमेंटेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू बी गुड डेवलपर सो आई होप दैट यीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय बाय टेक केयर